वेलकम माय डियर व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं एक ऐसा वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं भारत के शहीदों के बारे में बातें करूंगा और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो उनके लिए मेरा सम्मान है, जो सोच है, उनका नाम को ही जिक्र करना चाहता हूं ताकि उनका नाम हमेशा अमर रहे हमारे दिलों में, हमारे समाज में, और उनके विचार भी, जो अच्छे विचार है, वो हमारे समाज को आगे बढ़ाता रहे। क्योंकि आजकल आप जैसे जानते हो कि हम लोग उनको सिर्फ किसी स्पेशल डे पे ही याद करता है, तो मुझे लगता है कि स्पेशल डे के अलावा और भी सारे ओकेजन्स होता है जब हमें उनको याद करना चाहिए। वैसे छोटे बच्चे स्कूलों में तो बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं और समय समय पर लोग अपने अपने संगठन जो होता है वो लोग भी उसको याद कर लेता है। तो जैसे कि मैंने पहला वीडियो तो महात्मा गांधी के ऊपर बनाया था, तो मेरा आज का जो पर्सनैलिटी है, आज मेरा जो फ्रीडम फाइटर है इंडिया का थे, उनको हम शहीद आजम सरदार उधम सिंह के नाम से जानते हैं और बहुत कम लोग हैं हिस्ट्री में इसके। मैंने बचपन में हिस्ट्री में आई थिंक उनके बारे में सिर्फ एक पैराग्राफ ही पढ़ा था कहीं, और ज़्यादा कुछ नहीं मिला मुझे हिस्ट्री बुक्स में, इतिहास के किताबों में। तो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उनका नाम मैं लेकर उनका यादों को जिंदा रख सकूं। तो आज उधम सिंह जी के ऊपर हम मैं बात करूंगा। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उधम सिंह एक ऑर्फेन बच्चा था, ही वॉज एन ऑर्फेन चाइल्ड। वैसे उसका माता पिता थे लेकिन वो उधम सिंह के कम उम्र में ही माता पिता मर गया, और वो उधम सिंह बड़ा हुआ अपने बड़े भाई के साथ एक अनाथ आश्रम में। तकरीबन वहाँ उन्होंने पढ़ाई भी किया, कोई 19-20 साल तक वहाँ रहा। तो उसके बाद में जब वो 20 साल का था तभी 1919 में जो रॉलेट एक्ट जो पास हुआ था, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के द्वारा रॉलेट एक्ट, और 1919 में और एक घटना हुआ, ये जब पास हुआ रॉलेट एक्ट, तो ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट था, सभी को पता है हिस्ट्री पढ़ने वाले। तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जालियांवाला बाग में जनरल माइकल ओ डायर, उसने गोली चलाने का आदेश दिया था और उसमें एक ही एंट्रेंस था और उसी एंट्रेंस में जनरल गवर्नर थे वो माइकल ओ डायर ने वहाँ पर टैंक लगा दिया, मशीन गन, और मशीन गन से गोली बरसाया गया, बहुत लोग मारे गए और लोग बचने के लिए वहाँ पर एक कुआं था वहीं पे कूद गया, लेकिन कुआं पे दम घुट कर पानी में डूब कर बहुत लोग मर गए। तो 1999 और वहाँ पर उधम सिंह क्या कर रहा था, उधम सिंह एक टीनेज लड़का था, ऑर्फेन था, उसने वहाँ पर पानी देने का काम कर रहा था और किस्मत अच्छा था उसका कि वो बच गया, ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसने तो अपने डायरी में या कहीं उन्होंने कहा है कि उस दिन अगर मर जाता तो वो भी शहीद होता, लेकिन भगवान ने उनको बचा के रखा वहाँ, तो वो उधम सिंह वहाँ बच गया। और उसी वक्त उधम सिंह ने एक फैसला लिया कि बड़ा होकर वो एक एक पाई रुपया जमा करेगा, जनरल ओ डायर को रिवेंज लेगा, उसका दिल में जनरल ओ डायर के लिए क्रॉस और रिवेंज रह गया। और उसके बाद वो पढ़ाई ख़त्म किया, जहाँ तक वो पढ़ सकता था, वो ब्रिटिश से कश्मीर से भागते हुए जर्मनी भी पहुँचे और इस तरह से वो इंग्लैंड पहुँचा लंदन में, और लंदन पहुँचकर उधम सिंह वहाँ पर इंजीनियर का काम मिल गया उनको, इंजीनियर का काम करने लगा। तो आप सोच सकते हैं एक ऑर्फेन बच्चा एक ज़िंदगी में एक ही मकसद ले लेता है कि मैं अपने देशवासियों को मारने वाला इनजस्टिस वे में एक राक्षस की तरह उस इंसान को मैं वध करूँगा, उस इंसान को मैं मारूँगा। और जनरल ये आपका उधम सिंह ने इंग्लैंड में ये भी कहा था जब उसका अरेस्ट हो गया था, जज से कहा था, उसका एक कन्वर्सेशन बहुत दिन तक रिलीज़ नहीं किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई थिंक 96 या 97 में वो सारा पेपर जो जजेस के साथ बातचीत हुआ था, वो जो कोर्ट प्रोसीजर था, उधम सिंह ने क्या कहा बातें, वो सारे बातें आज तो हमारे पास है, आप चाहे तो ये सब अपना से रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है। और उसको पढ़ने से लगता है कि एक ट्रू पेट्रियट, एक ट्रू देशभक्त, एक माँ का बेटा, एक देश का बेटा ही ऐसे बात कह सकता है। तो उन्होंने उसमें कहा था कि ही मतलब यहाँ पर जनरल ऑर्डर, ही वांटेड टू क्रॉस द स्पिरिट ऑफ माय पीपल, सो आई हैव क्रॉस्ड हिम, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने और भी बहुत सारे बातें कहा था जिसको मैं यहाँ नहीं कहूँगा, नहीं तो अगर आपका शरीर में गूज़बम्प निकाल आता है। तो जब भी मैं भगत सिंह या उधम सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद या इस तरह के जो पेट्रियट्स थे उनके जब बातें कोट करता हूँ तो, और पढ़ता भी हूँ उनके बारे सुनता हूँ, तो मेरा भी शरीर में गूज़बम्प निकाल आता है। खैर आज तो मेरा टॉपिक उधम सिंह जी पर है। तो उन्होंने इंग्लैंड में इंजीनियरिंग का नौकरी किया और बहुत ही छुप छुप के रहा, वो अपना डायरी भी मेंटेन करते थे। और उन्होंने उनको मौका मिला
उनको जनरल ऑडर को मारने का कई बार मौका मिला, लेकिन वो चाहता था कि उसको उसी तरह से मारो महफिल में सबके सामने, क्योंकि उसने सबके सामने ही 1919 में रोलर एक के प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ पे पीसफुल मीटिंग हो रहा था और सबके सामने बच्चे बूढ़े औरत सबको इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके फायरिंग करने का ऑर्डर दिया और बहुत लोगों को मारा। और वो चाहता था इसलिए कि उसको भी इसी तरह किसी महफिल में सबके सामने भीड़ में मारा जाए। तो एक लंदन में एक कैक्सटन हॉल आई थिंक वहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उधम सिंह वहाँ गया, किताब के बीच उन्होंने अपना पिस्तौल को छुपाया जो उसने एक पब में इंग्लैंड में ही ख़रीदा, उस पिस्तौल को 6 गोली वाला, वो आज भी म्यूजियम में रखा गया है, वो बुलेट और उसका चाकू, उसका जो डेगर था और उसका कुछ किताबें डायरी वगैरह वगैरह उसका म्यूजियम में। तो उसने उसमें किताब को छुपा के लेकर गया और जा करके उन्होंने वहाँ पे जब पूरा स्पीच ख़त्म हुआ माइकल ओ'ड्वायर का, और वो माइकल ओ'ड्वायर ऐसा आदमी था कि उसको कोई रिग्रेट नहीं था, उसको कोई रिग्रेट नहीं था कि मैंने बच्चे बूढ़े औरत इंडियंस को मारा, उसको कोई रिग्रेट नहीं था। तो उसने जाकर उसमें उन्होंने उनको गोली मारा, गोली उनका माइकल ओ'ड्वायर का आपका लंग्स और हार्ट में टच करके किया और इंस्टेंटली वो वहाँ पर मर गया। तो उधम सिंह चाहता तो भाग सकता था, वही भगत सिंह की तरह असेंबली हॉल से भगत सिंह भी भाग सकता था, उधम सिंह भी भाग सकता था, उसने नहीं भागा। जज ने उसको पूछा तुम क्यों नहीं भागा, तो उसने कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, मैंने मैं हैंग होना चाहता हूँ, तभी और उधम सिंह पैदा होगा। उसने हमारे लोगों का जो आघात किया मैं वो भूला नहीं था, मैं उसके प्रति पर्सनल ग्रास हो गया था मेरा वो, और मेरा लाइफ को हम इंपॉर्टेंस में नहीं लेते, तो मैं सिर्फ देश के लिए ये लाइफ कुर्बान करना चाहता हूँ, मैं मुझे 10 बार भी जन्म मिलता तो मैं 10 बार भी वही काम करता, ऐसे उधम सिंह का बहुत सारे बातें और भी। तो उनको 1940 में लंदन में ही उनको हैंग किया गया। मैं मिनी डिटेल्स में जैसे आपको पहले भी बताया नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड देते हुए मैं आपको और बातें कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसने सबके सामने जनरल ओ'ड्वायर को मारा, जनरल ओ'ड्वायर तब तक ग्रैंडफादर बन चुका था वगैरह वगैरह, लेकिन देखिए उनका अंत क्या हुआ। और उधम सिंह उससे पहले उधम सिंह जब टीनेज था उसमें भी वो अरेस्ट हो चुका था, कई 5 ईयर्स वो जेल में रहा, और उसके बाद वो जब अरेस्ट हुआ बाद में जनरल ओ'ड्वायर को मारने के बाद बंद करने के बाद वो 42 डेज का हंगर स्ट्राइक भी किया था, उसको फोर्स फीडिंग भी कराया गया था। तो ऐसे ब्रेव लोगों को हम लोग अपने बातचीत में, अपने सोच में, अपने विचारों में, अपने कर्म में आई थिंक जिंदा रखने की कोशिश करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज वो ज़माना है और आज हमको उनका ही तरीका अपनाना चाहिए, जो रिवोल्यूशनरीज सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज वाले के जो तरीका है, लेकिन उनका जो देश के प्रति जो प्रेम था, सच्चा प्रेम, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ उनका कोई, उनको फेनाटिक कहता है कोई लोग, उनको टेररिस्ट कहता है कोई लोग, बट उस कॉन्टेक्स्ट में, उस ज़माने के कॉन्टेक्स्ट में दे वेर नॉट फेनाटिक नॉट टेररिस्ट, दे वेर सॉन ऑफ द सॉइल्स, आज आप उसको ऐसे कह सकते हो कंपेयर करके, लेकिन उस समय में का साथ आपको सिचुएशन में देखना होगा। तो उन्होंने ये भी कहा था कि अंग्रेज़ों से, मुझे अंग्रेज लोगों से कोई बैर नहीं है, अंग्रेज़ों को मैं नफरत नहीं करता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि मेरे इंडिया में जितने दोस्त हैं, क्योंकि मैं तो ऑर्फेन हूँ, इंडिया में जितने दोस्त हैं उससे कई ज़्यादा मेरे लंदन में फ्रेंड्स हैं, जर्मनी में फ्रेंड्स हैं, मुझे अंग्रेज़ के इंपेरियलिज्म कॉलोनियलिज्म से नफरत है, मुझे अंग्रेज़ के जो वो लोगों ने क्रिश्चियनिटी प्रीच करता है लेकिन दे टीच एंड प्रीच बट दे डोंट शो इन एक्शन, मुझे उससे प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलरली वो इंसिडेंट 1919 का। तो आप सोचिए एक ऑर्फेन बच्चा का दिल में भी अपने देश के प्रति प्रेम होता है, हम लोग तो माँ बाप वाले हैं, हम लोग तो कंफर्ट में रहने वाले हैं, तो एटलीस्ट हमारा कंफर्ट जोन में भी हम अगर इनका नाम को जिंदा रखें और थोड़ा बहुत इनके जैसे बनने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है। तो मेरा मेन मकसद वैसे इनको मेरे वीडियोज़ के जरिए एक ट्रिब्यूट देना था, और मैं आगे भी इस तरह का वीडियो लाऊँगा पेट्रियट्स के ऊपर, आगे आने वाला वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए।